Guys, watch this. Raghav sir, I want to register. Our band's name will be NH3. NH3. Seriously, dude, what's this name? I think the name is still bearable. I mean, the group is. देख तो कौन कौन है? Oh, I'm so scared. The Robocop and the Benji. Dude, हमारी तो ये वाट लगा दे. Guys, हमारे पास वैसे ही बहुत कम टाइम बचा है. और फर्स्ट राउंड नेक्स्ट वीक ही है. और हमें रिहर्सल भी नहीं गई. He's right. I think हमें प्रैक्टिस करनी शुरू करनी चाहिए. तूने मेरे जोक को ज़्यादा सीरियसली ले लिया. Come on, give me high five. कबीर, when it comes to music, serious. No joking around. I think he has a point. ठीक है, तो फिर जैमिंग चालू करते हैं ऑडिटोरियम में. ठीक है, देखो उससे पहले मुझे कुछ काम है तो मैं खत्म करके आता हूँ. 10 मिनट काम है, फटाफट करके आता हूँ. See you guys. माने, before we start jamming, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है. 10 minutes, alone. Okay. I like it, girl. Go show him a good time. Chalo, we'll see you. Tak. ये तो कबीर का फोन है. What is wrong with this guy? Bro, तू चल, I'll see you there. मैं कबीर को ढूंढ के. नव्या प्लीज लिसन ना, मुझे कंपटीशन नहीं जो हर्षद. व्हाई नंदिनी, व्हाई यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट? आई थिंक यू वेरी टैलेंटेड. देन तुम भागे क्यों आ गई? हर्षद जी ने कितना कूल नाम रखा है हमारे बैंड का, NH3. देखो हम साथ में म्यूजिक बनाएंगे, साथ में गाएंगे, साथ में बजाएंगे, पूरे मुंबई में तहलका मचा देंगे. ये तो हमारा सपना था ना. नव्या ये तुम्हारा सपना था, मेरा नहीं. मैं Fab Five से लड़ते लड़ते थक गई हूँ. Don't want to get into any more trouble. नंदिनी, तुम वहाँ से इसलिए भाग गई क्योंकि तुम्हें Fab Five से डर लगता है. But just tell me one thing. अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी, तो उनसे लड़ोगी कैसे? How will you fight them? Harshad, I don't like fights. I like to stay away from all these troubles. वैसे भी मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, more in music. मैं तुम लोगों को सैड नहीं देख सकती. Just please try to understand me. हम समझ रहे हैं लेकिन तुम नहीं समझ रही हो. दो लोगों का कोई बैंड होता है क्या? हम तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे. नव्या प्लीज तुम समझो ना. गाइस फॉरगेट इट. हाँ सच में तुमने हमारा दिल तोड़ दिया. नव्या प्लीज. आशा जी डेज बहुत ड्रामा हुआ है, डिप्रेसिंग ड्रामा. तो आई थॉट आई सरप्राइज यू विद समथिंग गुड लाइक ओल्ड टाइम्स. सरप्राइज? सो सो अनज़िप मी. हैं? Unzip me. Alia, classroom me. Just unzip me. Do it. More. More? Yes. Do you like it? Yeah. I mean, tattoo. It's good, but. या इसकी क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? What do you mean? करना नहीं चाहिए था. I love you and I'm yours. I know, Baba. You are. What about you? Do you love me? Love, Alia. Love is such a heavy word, yeah. I mean, it's a difficult question. I need to think.
Bloody idiot! मैंने तुम्हारे नाम का टैटू बनाया and you need to think. Yeah. Look at you. Just kidding, Baba. Just kidding. तेरा फेस देखो कैसे फेल हो जाता है. It's a superb idea. Just think about it, na. वैसे भी तुम अभी रेडी हो गए हो और बहुत टाइम हो गया है. एक बार हाँ, if you do it now, I'll take you for a treat. Thank you so much. You're the best. You're superb. Thank you. हाँ, act like my friend. Super. हाँ ठीक. Okay, bye. हाँ. तुम्हें हमेशा smile करते रहना चाहिए. I wish. मैं जब से कॉलेज आई हूँ ना, I've forgotten how to smile. ये Fab Five ना, but you're different. You make me smile. वैसे तुम पे भी smile suit करती है. अच्छा, माय फ्रेंड इज वेटिंग एट द गेट फॉर मी, तो मैं चलती हूँ. वन मिनट. तूने तो कहा कि तुम दोनों फ्रेंड्स नहीं. तुमने हमारे एनिमी को फ्रेंड बना लिया. एनिमी तो हुई ना, आफ्टर ऑल यू हैव जॉइंड आवर कंपीटिंग बैंड जिनसे हमें बहुत डर लगता है. यू नो दे आर सो स्कैरी. सो बड़ी, कुछ सीक्रेट्स बताए इन्होंने हमें हराने के? कंपटीशन के साथ साथ कैन बी फ्रेंड्स आल्सो ना. पर ये कैसे समझेगा? हेलो, तुमने कुछ कहा? नो नो नो, मैंने सुना तुम कुछ बोल रही. पर एज यूजुअल तुम्हें दूसरों के बैटल्स पिकअप करने में बहुत मजा आता है ना मदर टेरेसा, इसीलिए तुम इतनी अच्छी स्पॉट थी. एक्सपर्ट. मैं तुम्हारी स्पॉट इसलिए थी बिकॉज तुमने मुझे ट्रिक किया. ओह गॉड. जैसे कि ट्रिक करके मेरे चाचा चाची को गोवा भेजो जस्ट बिकॉज आई शुड फॉलो यू एवरीवेयर. व्हाट? शट अप और एल्स अगर मानिक छोड़ो. लेट्स गो. And you just wait and watch. Come on. Ah, buddy, chale. Remember, rehearsals. ये नंदिनी मुझे समझ नहीं आ रही. I mean, एक तरफ वो पूरे कॉरिडोर में कॉलेज में सबके सामने फाइव फाइव से पंगा ले सकती है, मालिक को मार सकती है, और दूसरी तरफ शी जस्ट रन्स अवे. आई मीन जब उसको इतना अच्छा मौका मिला है सबसे रिवेंज लेने का तो भाई शी बैकिंग ऑफ. हर्षद जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा. उसे ना थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी. हमारे पास ना एक आइडिया है, हम आपको एक गाना सुनाते हैं फिर ना आप एकदम तरोताजा हो जाएंगे. एक मिनट.